मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंबई से सटे कल्याण में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति अपनी बीवी के चाल चलन पर शक करता था और इसी वजह से चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी है और बीच बचाव करने आए पड़ोसी को भी लहूलुहान कर दिया है। पड़ोसियों ने बताया है कि पति सुनील शिंदे अपनी बीवी शिल्पा शिंदे पर शक किया करता था कि इसका किसी गैर मर्द से अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ और पति ने बीवी को चाकू मारकर हत्या कर दी और बीच बचाव करने आए परब नाम के एक युवक पर भी हमला कर दिया था। और जानकारी मिलते ही एसीपी और कुलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंच गई और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। घायल अवस्था में जो युवक बीच बचाव करने पहुंचा था उसे हॉस्पिटल भेजा गया और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 26/9/2022 को सवेरे 11:30 बजे ये जो ज्ञानेश्वरी हाउसिंग सोसाइटी है तिसगांव पाड़ा में, उसमें एक चाल है, चाल में रहने वाले सुनील सुड़का जी शिंदे, ये अपने पत्नी श्वेता एलियस शिल्पा सुनील शिंदे इसके कैरेक्टर पर हमेशा शक किया करते थे और उनके और दोनों मियाँ बीवी के पति पत्नी के हमेशा झगड़े भी होते थे, ये पूरे चाल वालों को भी मालूम है। आज सवेरे 11:30 बजे करीब उनके वापिस झगड़े हुए और ये सुनील शिंदे ने अपनी पत्नी श्वेता इसके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला भी कर दिया था। मेन टाइम जो सामने वाला संदेश राजाराम परब नाम का जो आदमी है 26 साल उम्र का, उसने ये घर झगड़े की आवाज़ सुनकर वो भी इनके घर पे आया तो सुनील शिंदे ने उसको भी जान से मारने का प्रयास किया। फिलहाल सुनील शिंदे कड़ो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है और जो सॉरी सुनील शिंदे ने संदेश परब कड़ो हॉस्पिटल में एडमिट है। सुनील शिंदे को हमने हमारे हिरासत में भी ले लिया है और जो मिसेस श्वेता एलियस शिल्पा शिंदे है वो डेड घोषित कर चुके हैं। इसमें हमने ऑफेंस भी 302 307 के तहत ऑफेंस भी रजिस्टर किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन मैं खुद कर रहा हूँ। आरोपी का बैकग्राउंड क्या सर? नहीं, वो कुछ भी नहीं करता है, वो बेरोजगार है। उसकी जो पत्नी थी मयत श्वेता एलियस शिल्पा शिंदे, ये भिवंडी नगर पालिका में सफाई काम करती है। इनका एक बच्चा भी है जो कॉलेज पढ़ता है, वो 2 दिन से उनके गांव गया था तो वो भी घर पे नहीं था आज। सर